हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। तो काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद एक मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस एपिडेमिक के दौर में। तो आज का हमारा टाइटल ऐसा है कि जिद हो तो ऐसी हो कि सफलता हासिल हो ही जाए, सफलता आपको मिल ही जाए। तो यहाँ पर मैं तीन बेसिक पॉइंट्स पर बात करूँगा। अगर तीन बेसिक पॉइंट्स पर अगर आप काम करते हैं और इन पर फोकस करके तैयारी करते हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी, बहुत ही कम समय में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो एक एक करके एक एक पॉइंट पर आपको बहुत ध्यान देना है। वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारा खुद का ऐप है गुरुकुल हब ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। वहां पर हमारे काफ़ी सारे कोर्स हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, साथ ही एसएससी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए वीडियो कोर्सेज भी हैं और पीडीएफ कोर्स भी, एक सेपरेट पीडीएफ कोर्स है जिसमें जनरल साइंस, जनरल स्टडीज़, जनरल अवेयरनेस और स्टैटिक जीके की पीडीएफ अलग से है। तो वो कोर्स आप परचेज कर सकते हैं बहुत ही मुनासिब से छोटे से प्राइस पर। हमने ये आपके लिए रखा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में सभी कोर्सेज के। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जिद ऐसी हो कि सफलता मिल ही जाए, तो पहला पॉइंट आता है हमारा कि हमें क्या बनना होता है, हाईली कॉम्पिटिटिव बनना पड़ता है। मतलब हाईली कॉम्पिटिटिव का मतलब ये है कि कॉम्पिटिशन तो है ही बहुत ज़्यादा, 2-2 करोड़ बच्चा आज की डेट में एग्जाम में बैठा हुआ है, एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो हाईली कॉम्पिटिटिव का मतलब ये है कि आपको ध्यान ही नहीं देना किसी दूसरे बच्चे पर, आपको ध्यान ही नहीं देना कि इतनी ज़्यादा भीड़ है, आपको ये भी ध्यान नहीं देना कि जिस दिन आपने एग्जाम दिया उस दिन आपकी क्लासरूम में कितने बच्चे थे, है ना। आपको ध्यान देना है कि जो आपकी परीक्षा है, जो आपका एग्जाम है, उसके अंदर जो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 150 आते हैं या किसी के एग्जाम में 200 आते हैं, तो आपको केवल उन क्वेश्चंस पर ध्यान देना है। मान लीजिए 100 क्वेश्चन आते हैं तो आपका कंपटीशन उन 100 क्वेश्चन से होना चाहिए कि आज के इस 100 क्वेश्चन की सेट में मैंने 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जिसमें से मेरे 85 ठीक है, या मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट किए और ज़्यादा सही है। तो आपका जो कंपटीशन है स्टूडेंट से ना होकर अपने आप से, खुद से होना चाहिए। अपने क्वेश्चंस के साथ आपको कंपटीशन लड़ना है, इसे कहते हैं हम हाई कॉम्पिटिटिव होना, ठीक है। क्योंकि होगा क्या कि स्टूडेंट को देखोगे, इतनी लंबी भीड़ देखोगे, इतनी बड़ी भीड़ देखोगे, तो कहीं ना कहीं आपको वो माइंड को डिस्टर्ब करने का काम करेगी और वो कहीं ना कहीं आपका माइंड फिर इधर उधर भागेगा, आप डाइवर्ट होते रहेंगे। तो आपको उस तरफ ध्यान ही नहीं देना, केवल ध्यान देना है अपने क्वेश्चंस पर जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं, अपने एग्जाम की तैयारी पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। दूसरा मेन पॉइंट आता है डिटर्मिनेशन। जी हाँ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC का एग्जाम है, रेलवे का एग्ज़ाम है या बैंकिंग का एग्ज़ाम है। अभी SSC के काफ़ी सारे एग्ज़ाम अभी आने हैं, SSC CHSL पोस्टपोन हो चुका है, SSC ZD आना है, SSC MTS आना है, ठीक है, और NTPC चल रहा है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी आना है, तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं। तो यहाँ पर आपको डिटर्मिनेशन दिखाने, डिटर्मिनेशन का मतलब ये है कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं पूरे डिटर्मिनेशन के साथ उसमें लग जाना है। मतलब एक टाइम सेट कर लेना है कि 8 घंटे आप तैयारी कर रहे हैं, 10 घंटे तैयारी कर रहे हैं, तो पूरी मेहनत के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ उसमें लगना है। एक ऐसी तैयारी आपको यहाँ पर बनानी है कि जो आपको 100% रिजल्ट दिला दे, ठीक है भाई। पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर आपको ध्यान देना है। मान लीजिए आपके एग्जाम में 3 सब्जेक्ट है, तो 3-4 हैं तो 4-5 है तो 5 सब्जेक्ट पर अलग अलग टाइम के हिसाब से अलग अलग आपको उनको समय देना है। किसी भी सब्जेक्ट को आपको स्किप नहीं करना है, किसी भी टॉपिक को आप स्किप मत करके चलिए ऐसे में, अगर वो इम्पोर्टेंट है। अगर कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं रखता तो उस दौरान आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है तो आप ऐसे में उसको स्किप ना करें, ठीक है। एक दृढ़ निश्चय के साथ, एक सुटेबल टाइम टेबल बनाइए और उस पर डेली बेसिस पर काम करिए। ऐसा नहीं हो कि टाइम टेबल केवल कागज ही बनकर रह जाए,
है ना, एक टाइम टेबल बनाया कि नहीं इसको मैं कल से फॉलो करूंगा, फिर कल आया नहीं कल से फॉलो करूंगा। ऐसे ही बहुत बच्चे देखे हैं, रोज टाइम टेबल बनाते हैं और रोज ही इसको बिगाड़ते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरी परफेक्ट वे में आपको तैयारी करनी है ना। तो ये चीज आपके अंदर जरूर से होनी चाहिए। तीसरा और मेन पॉइंट आता है हार्ड वर्किंग। देखिए हम किसी भी काम को करें, ये तो स्टडी का मामला हो गया, अगर आप कोई भी काम करते हैं तो हार्ड वर्किंग अगर हैं आप, ठीक है, एक डिलीजेंट पर्सन हैं, तो डेफिनेटली सफलता हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो हार्ड वर्कर आपको होना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि 8 घंटे और 10 घंटे की आपको जो तैयारी करनी है उसको पूरी मेहनत के साथ करनी है। ये तो है नहीं कि किताब लेके बैठ गए 8 घंटे 10 घंटे एक दिखावा, अपने आप को एक दिखावा दे रहे हैं कि हाँ मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, या घर वालों को या दोस्तों के सामने अपने आप को बेहतर बनाने के लिए 8-8 घंटे 10-10 घंटे का टाइम टेबल बना रहे हैं, लेकिन वहाँ पर मेहनत नज़र ही नहीं आ रही। तो वो आपको फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन के साथ केवल ध्यान आपका आपकी पढ़ाई पर होना चाहिए। छोटे छोटे ब्रेक्स में आप तैयारी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको 8 घंटे एक साथ बैठ के पढ़ाई करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको 4 घंटे एक साथ बैठ के तैयारी, अगर आप कंफर्टेबल हैं कि 1 घंटे बैठ के तैयारी कर सकते हैं तो 1 घंटे पढ़िए, उसके बाद 10-15-20 मिनट का एक ब्रेक ले लीजिए, फिर 1 घंटे बैठ के तैयारी कीजिए। आप 2 घंटे एक साथ बैठ के तैयारी कर सकते हैं, आप 2 घंटे एक साथ बैठ के तैयारी कीजिए, फिर ब्रेक लेके फिर तैयारी कर लीजिए। तो वो आप जैसा कंफर्टेबल हैं, जैसे आप कर सकते हैं उस हिसाब से आप करते चलिए। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि मेरा दोस्त ऐसा करता है तो मैं भी ऐसे करूं। देखिए हर स्टूडेंट का एक अलग तरीका होता है, एक अलग वे होता है ना। तो हमें यहाँ पर किसी की कॉपी नहीं करनी है, किसी को कोई नकल नहीं करनी है, हमें अपने वे से अपने तरीके से तैयारी को अंजाम देना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये मेन 3 पॉइंट हैं। अगर इन 3 पॉइंट पर, सबसे पहले मैंने बताया कि अपने आप को हाईली कॉम्पिटिटिव रखना है। हाईली कॉम्पिटिटिव का मतलब ये है कि हमें स्टूडेंट कितने हैं उस एग्जाम में ये नहीं देखना, हमारे क्लासरूम में कितने स्टूडेंट हैं वो नहीं, हमें अपने 100 क्वेश्चन पर फोकस करना है कि हमारा जो कॉम्पिटिशन है उन 100 क्वेश्चन से है। ठीक है, दूसरी मैंने बताई कि आपको डिटर्मिनेशन अपनी दिखानी है। ठीक है, तीसरा मैंने बताया कि आपको हार्ड वर्क करना है। तो इन 3 चीज़ों को अगर आप अपनी प्रिपरेशन में शामिल कर लेते हैं और इनको अमल में लाते हैं स्ट्रिक्टली, देखिए कोई भी चीज़ है, ये नहीं कि ये वीडियो मैंने बना दी, वीडियो बनाने के अंदर आपके अंदर मोटिवेशन इतना आ गया कि हाँ कर लेंगे, लेकिन होता क्या है कि कुछ घंटे बाद वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर किसी चीज़ का आपने प्रण ले लिया है तो उसको पूरा भी करना है। अब आप खुद ये समझिए कि अभी जैसे स्थिति है, एपिडेमिक की जो स्थिति है, कोविड की जो प्रॉब्लम चल रही है, उसके चलते अगर देखें तो सारी चीज़ें एक तरीके से बंद है ना। हर कोई भी बिजनेस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, सब एकदम बेकार हो चुका है। केवल कौन बेहतर है, जिसकी गवर्नमेंट जॉब है। तो सरकारी नौकरी की अहमियत आपको अब और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए, बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हमेशा हैं, आगे भी रहेंगी, है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, आपके साथ कुछ यही बातें शेयर करनी थी। और आप थोड़ा सा सेटअप देख के थोड़ा सा सोच रहे होंगे आज ये कहाँ सेटअप है, ये बहुत छोटा सा एक रूम है, उसके अंदर एक ऑडियो सेटअप लगाया हुआ है छोटे भाई ने, तो उसी के उसमें ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा स्टूडियो थोड़ा दूर है यहाँ से, 5 किलोमीटर है, और लॉकडाउन की स्थिति है, वहाँ मैं जा नहीं सकता। मैंने जैसे पहले लास्ट वीडियो में बताया था कि अभी मैं दूसरे वाले घर पर हूँ, तो इस वजह से अभी यहाँ पर ही हूँ। तो जैसे ही स्थिति सही होती है फिर वहाँ जाऊँगा, तो वहाँ से आपकी क्लासेस स्टार्ट करूँगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।